नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। टूल किट विवाद को लेकर सरकार और कांग्रेस में तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया, जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर पहुंचकर नोटिस थमा दिया है। साथ ही कांग्रेस के दो नेताओं को पूछताछ के लिए बुला लिया है। इस बीच कांग्रेस ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देने की मांग कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर संबित पात्रा जिनके ट्वीट के बाद ये बवाल मचा है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच मच गया है घमासान। हमारे साथ जुड़ गए सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब जुड़ गए हैं, यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी। विक्रम सिंह साहब, बहुत सारे सवाल दिल्ली पुलिस के एक्शन पर आपसे पूछूंगी मैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम दफ्तर में दिल्ली पुलिस की टीम जैसे ही पहुंची, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया। पुलिस ने ट्विटर को नोटिस थमाया, पूछा कि आखिर किस आधार पर संबित पात्रा के टूलकिट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया गया। दिल्ली पुलिस के एक्शन से देश की सियासत गर्मा गई। फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर देश को बहकाने और भ्रमित करने का षड्यंत्र किसने किया टूलकिट मामले में? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने। परंतु पूछताछ किससे हो रही है? ट्विटर से। रेड होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, इंक्वायरी होनी चाहिए जेपी नड्डा जी से और उनके प्रवक्ताओं से, पूछताछ होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रियों से, स्मृति ईरानी जी हो या रविशंकर प्रसाद जी या उनके दूसरे मित्रगण, परंतु पूछताछ हो रही है ट्विटर से। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के सीईओ से पूछा कि ट्विटर के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके आधार पर उन्होंने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को, जिन्होंने कांग्रेस के टूलकिट को पोस्ट किया था, उन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया है। स्वाभाविक सी बात है कि ट्विटर के पास जो जानकारी है उन्हें उसे एजेंसी को देना चाहिए। और ट्विटर इंडिया के सीईओ ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के लिए जिम्मेदार है और कंटेंट के लिए नहीं। ट्विटर इंडिया को हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत यहाँ पर अपना बिजनेस करना होगा और अगर यहाँ की एजेंसीज कुछ सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी देना होगा। दरअसल वो तारीख थी 18 मई जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से टूलकिट को जारी करते हुए कांग्रेस को घेरा। संबित ने आरोप लगाया था कि टूलकिट की मदद से कांग्रेस कोरोना को लेकर सरकार और पीएम मोदी की छवि खराब कर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक टूलकिट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूलकिट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। लेकिन संबित पात्रा का वार तब उल्टा पड़ गया जब ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता के उस ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग मढ़ दिया। सिर्फ संबित ही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का तमगा दे दिया गया। ट्विटर के एक्शन के बाद कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी पर हावी हो गया। सब लोग मानते हैं ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसमें पर्दा डालने का काम कर रहे हैं जो बेहद दुर्भाग्यजनक है और हम सब बेहद दुखी हैं। न पीड़ित परिवार को हम न्याय दिला पा रहे हैं, न अपने पार्टी को न्याय दिला पा रहे हैं। जो किट आपको खोजनी है वो किट आप नहीं खोज रहे हो। जो आपको किट नहीं खोजनी चाहिए थी, आप राजनीतिक किट खोजते घूम रहे हो, चारों तरफ राजनीतिक किट खोज रहे हो। कमाल है भाई, ये राजनीतिक किट खोजने का वक्त है कि इस समय आपको कोरोना से लोगों को बचाने का वक्त है? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही अपनाना चाहती है और देश के अंदर में ध्यान भटकाने का काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आई और टैगिंग हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन कंपनी अपने रुख पर अड़ी रही, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच का काम संभाला। विवाद अभी और बढ़ेगा क्योंकि कांग्रेस ने ट्विटर से मांग की है कि 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया जाए। आज तक ब्यूरो। अगर वाकई डॉक्टर संबित पात्रा ट्विटर भारत में देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो आप उसको बैन कर दीजिए, वरना जरा यह समझाइए कि क्या यह सरकारी दबाव और सत्ता का रसूख है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में ताकत नहीं झोंक रही कि वो जो टूल किट तथाकथित वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, वो ट्विटर से पूछ रहे हैं। ये तो सेकेंडरी बात है ना, पहले तो वो देखे कि जो पेपर्स आपने पोस्ट किए थे वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, वो फोर्ज्ड है या नहीं है, उनमें दो पेजेस ऐड किए गए हैं या नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मेन काम पर ध्यान नहीं है, ट्विटर को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये आप लोगों का दबाव है? अंजना जी, मुझे लगता है कुछ तथ्यों से अवगत कराया जाना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि बिना तथ्य जाने बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं तथ्य से अवगत कराता हूं। दिल्ली पुलिस ने नंबर एक कोई रेड नहीं किया ट्विटर की दफ्तर में, नोटिस इशू करने गई थी उनको। क्यों नोटिस देने जाना पड़ा? क्योंकि आजकल तो ईमेल का जमाना है, ईमेल में भी नोटिस दिया जा सकता है, दफ्तर में जाके नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, खास करके तब जबकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसलिए क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस ने मेल पे भेजा। मेल किसको भेजा? मेल भेजा गया महेश्वरी जी को, मनीष महेश्वरी जी को, जो कि अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया इंक ट्विटर के कहते हैं, और उनका इंटरव्यू भी इकोनॉमिक टाइम्स इत्यादि में छपा, और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कंटेंट के लिए, भारत में जो भी कंटेंट है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। इस मेल में क्या लिखा था? इस मेल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लिखा कि हम एक टूल किट को लेकर जांच कर रहे हैं क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं और ऐसा प्रतीत होता है उसको लेकर आपके पास कुछ जानकारियां हैं, कृपया करके वो जानकारियां आप हमसे साझा करेंगे तो हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। देखिए, ये एक रिक्वेस्ट है, ये कोई फरमान नहीं है। ये रिक्वेस्ट को कंसीड करने में क्या बुराई है? तो मनीष महेश्वरी जी जो MD हैं, उन्होंने लिखा कि देखिए, मैं ट्विटर इनका MD नहीं हूं, ये गलत एड्रेस पे आपने ईमेल भेज दिया और मैं जानता नहीं हूं बॉस कौन है। तो बाध्यतम स्पेशल फोर्स की, दिल्ली पुलिस की, वो इनके दफ्तर गई क्योंकि एक एम्बिग्विटी था कि आखिर मालिक कौन है, और वहां वो नोटिस देके आई कि जो भी आपके मालिक हैं, जो भी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कृपया करके वो साझा करें इंफॉर्मेशन कि इस टूल किट को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जिसके बिना पर आपने इसे मैनिपुलेटेड करार दिया है। अंजना जी, ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये कहां से गैर डेमोक्रेटिक है? आपके पास अगर कोई एविडेंस है, अगर मैंने आपसे वो एविडेंस साझा करने के लिए कहा, क्योंकि हम दोनों ही एक प्रोसेस के हिस्सा हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं, इसमें इतना हाय तौबा मचाने वाला विषय क्या है? क्या हाय तौबा मचाने का विषय है सुप्रिया श्रीनेत? क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ट्विटर सवालों से ऊपर तो नहीं है? पुलिस और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही जांच करेंगी ना, या ट्विटर ही आप लोगों के लिए जज, जूरी है और एग्जीक्यूशनर? सवालों से तो इस देश में कोई भी ऊपर नहीं है। इस देश के कानून और व्यवस्था पर सबको सवाल खड़े करने चाहिए और सवालों का सामना करना चाहिए। मैं छोटी सी बात आपसे बोलना चाहती हूँ। इन्होंने एक फेक टूल किट, जो कि इनका नेचर रह चुका है, पास्ट में भी 18 बार इन्होंने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगी। इन महानुभाव ने एक फेक टूल किट चलाया और उसको कांग्रेस का बताया। कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन इसका खंडन करके कहा कि नहीं, ये फेक है, ये फॉर्जरी है, ये हमारे दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ है और ये पूर्णतया गलत है। उसके बाद हमने एक कंप्लेंट ट्विटर में इसके बारे में रजिस्टर करी और उसी समय हम दिल्ली पुलिस में FIR करने गए। 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई FIR नहीं करी, जिसके बाद SNSUI ने छत्तीसगढ़ में इस पर FIR कर दी थी, जहां पर हम को एप्लीकेंट बन गए, INC इंडिया की मेन पार्टी को एप्लीकेंट बन गए। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस ने उस समय मामले को संज्ञान में नहीं लिया? हमने हर तरह से प्रूफ करने की कोशिश करी कि इन्होंने वो तथाकथित डॉक्यूमेंट फेक और फॉर्जरी से बनाया है, उसके मेटा डेटा जो कि राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज आती है उसके साथ खिलवाड़ किया है, और अब इनको एक पुलिस की तरफ से नोटिस आया है। अगर दूध का दूध और पानी का पानी ही होना है तो ये महानुभाव प्रोब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? एक क्लिक से आप ऑनलाइन प्रोब ज्वाइन कर सकते हैं, अपना वक्तव्य दीजिए वहां पर। आप तो कह रहे हैं आप रिलीफ वर्क कर रहे हैं, ये रिलीफ वर्क चल रहा है 6 से 7 या 5 से 5.5 या जहां पर भी थे, या अगली बार जाएंगे बनाना रिपब्लिक, वो रिलीफ वर्क रहेगा। एक बात दूसरा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं अंजना जी। एक व्यक्ति ने बोला ये दस्तावेज हमारे हैं, हमने उसका खंडन किया,
हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि आतंकवाद के मामले में तफ्तीश करती है वो ट्विटर के ऑफिस पहुंच गई वहां पर नोटिस सर्व करने के लिए। फूल किट मट्टी पलीद हुई, झेप मिटाने के लिए ट्विटर के ऑफिस पहुंचे, जबकि वहां पर पिछले मार्च 2020 से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आप ये सोच लीजिए कितनी मिट्टी पलीद सरकार अपनी कराने पर तुल गई है एक झूठे दस्तावेज को गलती से सच साबित करने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ इस काल में, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहती हूँ, इस काल में हमें कोविड पर बात करनी चाहिए, हमें प्रबंधन पे बात करनी चाहिए, वैक्सीनेशन पे बात करनी चाहिए, जो राम नामी खींची जा रही है लाशों से नदियों के किनारे उस पर बात करनी चाहिए, या इस फर्जी टूलकिट के मामले पर बात करनी चाहिए? यह मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी और उनकी प्राथमिकताओं से पूछना चाहती हूँ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का यह दुरुपयोग, इसीलिए हम दिल्ली पुलिस को भाजपा का फ्रंटल बताते हैं। बताइए समृद्ध जी, आपका फ्रंटल है, बीजेपी का फ्रंटल है। अंजना जी, मैं तो बिल्कुल हतप्रभ हुए बिना शांति से जवाब दूंगा। अंजना जी, आप मुझे एक मौका बताइए जब कांग्रेस पार्टी ने कहा हो कि हम सच बोल रहे हैं। हमने कहा 26/11 तो पाकिस्तान किया, इन्होंने बोला नहीं नहीं 26/11 आरएसएस ने किया है। हमने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तो इन्होंने कहा नहीं नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक है। हमने कहा रुकिए ना, हमने कहा बाटला हाउस तो इन्होंने, सोनिया गांधी तो रोने लगी थी आतंकवादियों पे, ये तो खैर टूलकिट का विषय है, आपको क्या लगता है ये सत्य बोल देंगे? जो आतंकवादी हमलों पे सत्य नहीं बोलते हैं ये टूलकिट पे क्या सत्य बोलेंगे? हमने सौम्या वर्मा वाला जो कागज दिखाया था उसको भी मैंने ट्वीट किया था, हमारे मंत्रियों ने ट्वीट किया था, उस समय उसको नकार दिया गया था, अगले दिन एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है ये मेटा डाटा फेटा डाटा बेटा डाटा क्या क्या है और ये सौम्या वर्मा ने लिखा है, वो उस समय मान गए क्योंकि उसका इररिफ्यूटेबल एविडेंस हमारे सामने रख दिया गया था। आप ये बताइए, मैं यही जानना चाहता हूं, प्रोब महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी ट्विटर ने प्रोब कर दिया है, ट्विटर के पास एविडेंसेस है, तथ्य है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्विटर इन बातों को अगर हमसे साझा कर देगा तो क्या, एक सेकेंड हड़बड़ाइए मत, मैंने बहुत देर तक इनको सुना ना, शांति से सुना, कोई हड़बड़ाए नहीं, इसके बाद उनको मौका दीजिएगा। अगर ट्विटर के पास तथ्य है, ट्विटर ने किसी थर्ड एजेंसी के साथ मिल करके इस पे काम किया, इन्वेस्टिगेशन किया और उनको मालूम पड़ गया कि ये फेक है, ये किसी प्रकार की फॉर्जरी है, तो प्लीज साझा कर दीजिए, हमारे को भी मदद होगी, हमारे को मतलब हमारे कानून व्यवस्था को। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अंजना जी, और बहुत शिद्दत से पूछना चाहता हूं। बिना जांच के ट्विटर ने तो हमारे ऊपर मैनिपुलेटिव इत्यादि सब लिख दिया। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं इस देश में एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं सीएए आने के बाद कि मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप इन दिस कंट्री, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये कोविड नहीं ये मोविड है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये सर्जिकल नहीं ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। अंजना जी, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, जो सत्य है सत्य को सीना ठोक करके बोलेंगे और कांग्रेस को बिल्कुल बीच बाजार एक्सपोज करेंगे। चुप रहने वाले तो आप पहले भी नहीं थे, अब नहीं है, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन मेरे सवाल को सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी ने यह शिकायत कब की थी कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया या फोर्ज डॉक्यूमेंट है जो आपने ट्वीट किया है? कब की थी ये शिकायत सर, दिल्ली पुलिस में नामजद करके आपको? उसके अगले दिन की थी, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ या उसी दिन की थी। इतने दिन बीत गए, दिल्ली पुलिस अभी तक ये जानकारी नहीं हासिल कर रही है कि क्या उसमें, अगर वो ये साबित ही कर दे कि नहीं आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्वीट किया था तो पूरा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो ट्विटर भरोसे चलाते हैं क्या अपनी अपनी एजेंसी को? दिल्ली पुलिस क्या ट्विटर के वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? क्या ये आपकी सरकार का दबाव है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस का सारा फोकस ट्विटर पे? मैं कह रही हूँ इतने दिन पहले सर, जब 18 को ही कंप्लेंट हो गई थी, पहले पता तो करें कि वो फोर्स डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ठीक अंजना जी, दो भागों में उत्तर देता हूँ। एक तो दिल्ली पुलिस क्या हमारे सरकार के दबाव में काम कर रही है, और दिल्ली पुलिस अभी तक क्या कर रही थी? देखिए, दिल्ली पुलिस, हमको कैसे पता कि दिल्ली पुलिस एक विंग में ही काम कर रही है, केवल ट्विटर को ही एक ईमेल लिख के बैठ गई थी? दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, बाकी लोगों को भी नोटिस गए हैं, बहुत सारी पूछताछ भी हो रही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। दिल्ली पुलिस इस पूरे तथ्य को स्थापित करने में लगी होगी, एक तो नंबर वन ये है। दूसरा विषय है, अगर अब तुरंत दिल्ली पुलिस कह दे कि ये बिल्कुल सच्चा टूलकिट है, अभी ये शुरू हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस तो बिकी हुई पुलिस है जी, दिल्ली पुलिस ने कैसे ये साबित कर दिया कि ये सच्चा है? तो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। दूसरी बात, क्यों नहीं पूछेगी साइड में? अगर सोचिए किसी के घर में मर्डर हुआ है, किसी ने ऊपर छत से एक रिकॉर्डिंग भी कर ली है, तो दिल्ली पुलिस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन भी करेगी और पूछेगी भी कि ये सीसीटीवी कैमरा में क्या रिकॉर्डिंग हुआ, ये भी निकाल के लाओ। तो ट्विटर के पास कोई तथ्य है तो उससे पूछ लिया तो क्या गुनाह हो गया? और अंजना जी, मैं एक बात कह लूं, ट्विटर एक
अपने आप में रिपब्लिक नहीं है, ट्विटर कोई गवर्नमेंट नहीं है। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। आज आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके। 25 फरवरी को भारत की सरकार ने एक रूल, कॉम्प्लायंस रूल जारी किया था कि इंडिया में ट्विटर के पास, फेसबुक के पास एक नोडल ऑफिसर होगा, एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर होगा, कंप्लेन करने की सुविधा होगी। ट्विटर ने उस पर भी तीन तीन बार सवाल पूछने के बाद भी कॉम्प्लाई करने से इनकार कर दिया। क्यों? ट्विटर कोई अपने आप में रिपब्लिक है, इंडिया का संविधान ट्विटर पे लागू नहीं होता है, उनसे सवाल पूछा नहीं जा सकता। जो लोग सुबह शाम ऑक्सीजन ही ट्विटर पर लेते हैं इस देश में, आधे नेता तो सुबह शाम ऑक्सीजन ही ट्विटर पे लेते हैं, बिना दिन भर ट्वीट किए मन नहीं मानता है। और ऐसे में तो क्या जर्नलिस्ट से भी बात नहीं करते? मेरा एक एक सवाल सुनिए सर, अंजना जी, जर्नलिस्ट से बात करने के बजाय ट्विटर का ही इस्तेमाल हर प्लेटफॉर्म नहीं, तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आपकी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? अंजना जी सुनिए, सिर्फ संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड लिखा जाएगा तब ट्विटर के खिलाफ एक्शन होगा। अगर वाकई बायस है तो आपको आपको यू हैव ये आपका काम है ना कि एक 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 आप तो एक्शन के रातों रात नहीं लिया जा रहा। अंजना जी, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, आप देश की मूर्धन्य पत्रकार है, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या किसी भी मैच्योर सरकार को रातों रात एक्शन नहीं लेना चाहिए? आप जो कह रही है कि कल रात को हुआ तो परसों सुबह बैन कर दीजिए ट्विटर को, ऐसे नहीं होता है अंजना जी। ऐसे बैन मीडिया चैनल से बहुत खराब दिखाते हैं। क्या हम कोई बैन कर देता है? कोई सरकार मीडिया चैनल को बैन कर देती है? बिल्कुल नहीं। चिट्ठी लिखी जाती है, कहा जाता है कि संख्यात्मक नहीं है। एक बार आंकड़े दिखाइए, हम दिखा रहे हैं कि ट्विटर और फेसबुक के इंडिया में कितने यूजर्स हैं। ये सोशल मीडिया जायंट्स हैं जिनका जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, आप इनको ओवरनाइट बैन नहीं कर सकते, यही तो मैं भी आपको बता रही हूँ। लेकिन आप ही को एक रूल पोजीशन लाना पड़ेगा ना। सिर्फ संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड बोल दिया जाएगा? देखिए सर, ये आंकड़े इसीलिए मैंने आज निकाले थे कि देखिए 2.25 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप पर 53 करोड़, फेसबुक पर 41 करोड़, यूट्यूब पर 44 करोड़, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़। अब आपने बताया 10 सेकंड मुझे सुन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा सवाल तो पूरा सुनिए सर। मैं भी यही कह रही हूँ, आप ओवरनाइट बैन नहीं कर सकते, लेकिन संबित पात्रा के एक ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेटेड बोल दिया तब आप लोग हरकत में आए? या फिर आप एक रूल बुक सेट कर रहे हैं जिसके जरिए आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनके बायस को सामने लाएंगे? ठीक अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं शांति से जवाब देता हूँ। अंजना जी आपका सवाल था कितना बड़ा जायंट है, अंजना जी आपका सवाल था कितना बड़ा जायंट है ट्विटर, आप क्या कर रहे हैं जायंट के साथ? अंजना जी ठीक है ट्विटर जायंट है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो 130 करोड़ जनता चुन के लाती है, उनसे सवाल पूछा जा सकता है, उनको चोर इत्यादि सब कुछ बताया जा सकता है, ट्विटर से एक ईमेल पे सवाल नहीं पूछा जा सकता है? ये कैसे भगवान है ट्विटर? क्या कर लिया, कोई गिरफ्तार कर लिया ट्विटर को? एक सवाल ही तो पूछा कि आपके पास कुछ तथ्य है, प्लीज वो तथ्य साझा कर लीजिए। नहीं अंजना जी, मैं बहुत सिंपल सवाल, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपने ट्विटर के खिलाफ क्यों किया, मैं ये पूछ रही हूँ कि संबित पात्रा पर हो तो सरकार लग जाए कि ट्विटर बताओ भाई ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन अगर अगर वाकई बायस है, अगर ये देश विरोधी है, तो ये आपका काम है कि आप एक परिस्थिति ऐसी लाए। सुनिए अंजना जी, सरकार ने अपने अंजना जी सरकार ने अपने ईमेल में कहीं नहीं लिखा कि सरकार विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल ट्विटर है। एक सिंपल कम्युनिकेशन कि आपके पास जो एविडेंस है वो भेजिए, मगर ये कहना आप लोगों का कि ट्विटर इम्यून है, ट्विटर एक इंटरमीडिएटरी बॉडी है और ट्विटर इम्यून है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, एक चिट्ठी हम ट्विटर को नहीं लिख सकते हैं और ट्विटर क्यों नहीं जवाब देगी? ठीक है, मैं एक बार आ रही हूँ, एक बार आ रही हूँ। विक्रम सिंह साहब से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर शांतनु गुप्ता भी जुड़ गए, और वो जवाब नहीं देगी, क्यों नहीं जवाब देगी? खूब सवाल कीजिए, सवाल कीजिए और पता भी लगाइए और बताइए भी, लेकिन उलझाते मत रहिए। ऐसा ना हो कि सप्ताह के सप्ताह कोविड जब इस तरह से देश में फैला हुआ है तो सबकी बातचीत हो। कोई मंत्री कोविड की परिस्थिति पर नहीं लिखता है, लेकिन टूलकिट पर सारे लिखने सामने आ जाते हैं। क्यों कर रहे हैं टूलकिट? क्योंकि आपने ये परिस्थिति पैदा की है ना सर, क्योंकि आपने ये परिस्थिति पैदा की है। आज दिल्ली पुलिस मिस्टर विक्रम सिंह, दिल्ली पुलिस को पता करना चाहिए ना कि ये पेपर्स खूब करते हैं, इतना बड़ा चैनल कोविड पर घंटों घंटों डिबेट कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, गांव गांव पहुंच रहे हैं, जहां आपके मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं वहां हमारे रिपोर्टर पहुंच रहे हैं, हमने वहां की तस्वीर दिखाई है। मुझसे उलझ के अगर ट्विटर आपके कंट्रोल में आ जाता है तो उलझ जाइए और ट्विटर को कंट्रोल कर लीजिए। डोंट प्रोटेक्ट ट्विटर अंजना जी, ये ट्विटर को बचाने की कोशिश मत करिए। कोई बचा नहीं रहा है ट्विटर को, ट्विटर को जवाब देना चाहिए। ट्विटर की लत जिन्हें है और ट्विटर के बिना जिनकी जिंदगी नहीं चलती वो समझे। मैं तो सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, विक्रम सिंह साहब, दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द पता लगाए वो डॉक्यूमेंट
जिसका कंटेंशन है, जिस पर कांग्रेस ने शिकायत की है, वो फॉर्ज्ड है या नहीं है? ट्विटर पर आप करें कार्रवाई, लेकिन वो सेकेंडरी कार्रवाई हो सकती है। मेन कार्रवाई तो ये है कि आप पता लगाएं ना, और आप दंगे की चोट पर कहें भाई ये फेक है, नहीं ये रियल है। लोग कहेंगे, कांग्रेस वाले क्या कहेंगे, इससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ी चलती है। अंजना जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं, हमारे विद्वान पैनलिस्ट बुद्धिजीवी हैं। मैं एक पुलिसकर्मी की ठस बुद्धि से बताना चाहूंगा कि मेरे दो कान हैं या चार कान हैं, ये कोई बहुत क्रांतिकारी काम नहीं है। ये बहुत जल्दी पता लग सकता है कि मेरे दो कान हैं या चार कान हैं। मेरे कार्यकाल में ये ट्विटर और फेसबुक में आए थे और उनको बुला लिया था टाई वाई पहन करके, बड़े फैशनेबल कपड़े, कि श्रीमान जी अगर आप जानते हैं आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, अरे विक्रम जो मैं सूचना मांग रहा हूँ दे दीजिए, वरना आप यहाँ से जाएंगे सीधे जेल। ट्विटर का जो काम करने का तरीका है मैं आपको समझाती हूँ, ये कैसे उलझाते हैं और कैसे यहाँ के ऑफिशियल्स को गचका देते हैं। जिन अधिकारी साहब को चिट्ठी लिखी गई है वो कह रहे हैं कि मैं तो सेल्स वगैरह देखता हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि ये प्रक्रिया कौन है, मैनिपुलेटेड मीडिया कौन लिखता है, ये लोग उलझाते हैं। अधिकारी का तो ये काम है ना कि डॉक्यूमेंट पता कीजिए आप। Where there is a will, there is a way. और अगर हम उसे चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं, अभी मैंने पूछा कि चोकसी साहब क्यूबा पहुंच गए हैं, चोकसी साहब क्यूबा पहुंच गए हैं, उनके साले बहनोई तो नहीं क्यूबा पहुंच गए हैं, उनके ससुराल वाले तो नहीं पहुंच गए हैं, अगर पुलिस वाले अपने पे आ जाएं, क्या ट्विटर और क्या फेसबुक, हर आदमी दस्तयाब हो जाएगा। लेकिन आप पहले तय कर लीजिए आप चाहते क्या है। अमेरिका में रहता है ना सर, वहीं से करता है, जो भी करते हैं, जो मालिक है जैक डॉर्सी वहां पर है अमेरिका। वो तो ठीक है, जो जहां पर है वो तो है, लेकिन उनका साम्राज्य यहाँ से जो आर्थिक संपन्नता और वैभव जो हमसे आपसे प्राप्त कर रहे हैं, उसके चैनल तो आप सुखा सकती हैं। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट तो पता करना चाहिए ना सर दिल्ली पुलिस को कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट पता लगाने के तरीके हैं। बुला लीजिए वो सर के बल आएंगे आपके पास। जो कांग्रेस का कंटेंशन है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो ये है ना कि वो पेपर्स फोर्ज है या नहीं है। बेशक आपने ईमेल भेजा, आपको मालूम है कि ये कंपनीज आपके ईमेल का जवाब देते नहीं, ये आसमान से ऊपर है, तो इनके यहाँ नोटिस दी जानी चाहिए, नोटिस जा करके देखना चाहिए। और महाजन साहब अगर नहीं तो महाजन साहब ये बता सकते हैं कौन जवाब देगा, ये हमें और बता दीजिएगा, आप नहीं तो कौन। वरना जब तक आप ये नहीं बता पाते हैं तब तक महाजन साहब आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, आप यही रहेंगे जब तक आप ये बता नहीं सकते हैं कि किसका जवाबदेही कौन दे करेगा। सुप्रिया जी, अल्टीमेटली हम ट्विटर को ये वर्चस्व नहीं दे सकते ना अपने देश में कि वो तय करेंगे कि किसने मैनिपुलेटेड मीडिया डाला, किसका मीडिया ऑथेंटिक है, क्योंकि अब जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो बिल में घुस गए ना सारे के सारे, वरना डंके की चोट पर बताते कि क्यों लिखा मैनिपुलेटेड मीडिया। ऐसा है अंजना जी कि पता नहीं शायद संबित जी को कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, मैं ट्विटर की प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए जब वो कह रहे थे कि मैं ट्विटर को डिफेंड नहीं कर रही हूं, मैं जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, जो दस्तावेज के साथ जालसाजी करी, उसका पर्दाफाश करने की बात कर रही हूं। और मुझे ऐसा लगता है पुलिस का पहला कर्तव्य था कि हमारी कंप्लेन पर एक्ट करती, इनको बुलाती, इनसे पूछताछ करती, और जिन लोगों ने उस भ्रम को फैलाने में, भ्रमित करने में, प्रचारित प्रसारित करने में जो हमने अपनी कंप्लेन में लिख के दिया था, उन सबके साथ पूछताछ होती। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ, ट्विटर को मारिए गोली, ट्विटर पर दिन रात औरतों के खिलाफ अपराध के, औरतों के खिलाफ रेप के, बलात्कार के, मर्डर के हजारों चीजें कही जाती है ट्विटर पर, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार हरकत में आती है और कुछ ऐसे लोग वो बात करते हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी फॉलो करते हैं, जिनको गृहमंत्री अमित शाह फॉलो करते हैं, यहाँ गोडसे का गुणगान होता है और गांधी को गाली दी जाती है, तब सरकार हरकत में नहीं आती है। जिस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि होती है उस दिन गोडसे जिंदाबाद होता है, तब सरकार हरकत में नहीं आती है। कोट अनकोट मोदी जी ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से मैं डायरेक्टली लोगों से बात कर सकता हूं, दे आर माय माइक्रोफोन टू द वर्ल्ड, तो दरकिनार कर दिया मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे, सोशल मीडिया से डायरेक्टली लोगों से बात करेंगे। तो जब सोशल मीडिया को आप यूज करते हैं तब तो मीठा मीठा गप है, जब आप राहुल गांधी ने पिछला इंटरव्यू कब दिया है सुप्रिया जी, वो भी तो ट्विटर पर ही आजकल बातचीत करते हैं, वहीं पर अवतरित होते हैं। अच्छा सवाल आपने पूछा, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनसे सवाल पूछने चाहिए कुप्रबंधन पर, या राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी सवालों के ऊपर। छोटी सी बात, मैं छोटी सी सवालों के ऊपर, तो देखिए कोई नहीं है इस देश में, ना मीडिया है, ना भाजपा है, ना सरकार है, और ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन हाँ सवालों के घेरे में जालसाजी और फ्रॉड जो भाजपा ने किया है वो जरूर आएगा। मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात जरूर खत्म करूंगी कि जब नैरेटिव बदलना होता है
जब ट्रेंड कराने होते हैं तो ट्विटर बहुत बढ़िया है भाई, एनालिटिक्स चाहिए, सुपीरियर एनालिटिक्स ट्विटर से आते हैं, ये इनका आईटी सेल अच्छी तरीके से जानता है, ये जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मीडिया में भी रह चुकी हूँ। लेकिन जब आप पकड़ लिए गए जालसाजी करते वक्त तो इनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन मुझे ज्यादा बड़ी दिक्कत दिल्ली पुलिस से है जिनके पास कंप्लेन होने के बावजूद उस पर एक्ट नहीं किया। मेरा पर्स चोरी हो जाता है, दिल्ली पुलिस के पास जाती हूँ, वो एफआईआर नहीं लॉन्च करेंगे। शांतनु गुप्ता जी, क्या वो वक्त नहीं है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी पारदर्शिता दिखाने की जरूरत है और इसके लिए सख्त होना जरूरी है? क्योंकि आप पहले तो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख देते हो और ऐसा नहीं है, उन्होंने ट्रंप के भी उस वक्त हमने देखा था अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के कई उनको प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया, वहां पर प्रॉपर हियरिंग हुई, लेकिन क्या ऐसी हियरिंग के लिए वो इंडिया में आएंगे जैक डॉर्सी? सवाल यह है कि आपको कम क्लीन आना होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ के ऑफिसर्स को कह दीजिए कि हमें तो जी जानकारी नहीं है, अलबेले बने फिरे वो, और फिर वहां जैक डॉर्सी अमेरिका में है और वो जांच और ट्रांसपेरेंसी हटा दे और बिल में घुस जाए। जी अंजना, आपने ठीक कहा, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मैं आपकी दर्शकों को थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगा ग्लोबल लेवल में। जैसे आपने कहा, जब ट्विटर ने ट्रंप को, जो उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उस दिन, उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, जिस ट्रंप को आज तक उनकी सरकारों ने, उनके कोर्ट ने इम्पीच नहीं करा, उसको एक प्लेटफॉर्म ने हटा दिया, तो तब से ट्विटर पर सवाल तो खड़े हो गए ना उनकी ट्रांसपेरेंसी पे भी और उसकी कंसिस्टेंसी पे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और आपकी जनता समझ जाएगी। जगदीश मामाडिला जेएनयू के वीसी हैं इस समय, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका उनका हैंडल वेरीफाई नहीं है, लेकिन उमर खालिद जो उनका एक वहां का एक स्टूडेंट है जो दिल्ली राइट्स में आरोपित है, उसका हैंडल वेरीफाई है। क्या लॉजिक है भाई, आप एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी का हैंडल वेरीफाई नहीं करेंगे लेकिन एक आरोपी का हैंडल वेरीफाई कर देंगे? तो जब बिग टेक कंपनियां, जो आपने दिखाया डेटा आपने अच्छा दिखाया, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, अब ये सरकारें बदलने में लोगों की मानसिकता में क्या पढ़ा जाएगा क्या नहीं पढ़ा जाएगा इस पे जब आने लगी हैं, तो ये फिर एक चिंता का विषय बन गया है। अभी शर्जील उस्मानी ने लिखा, जो भी जय श्री राम कहेगा वो टेररिस्ट है, वो मैनिपुलेटिव मीडिया नहीं है। देखिए, एक दिन में 50 करोड़ ट्वीट होते हैं, कैसे फैक्ट चेक कर लेते हैं? वो एल्गोरिथम ये तो बता देगी कि हाँ भाई ये इसमें गाली बोली है, ये अब्यूसिव है, लेकिन कोई कोई एल्गोरिथम ये नहीं बता देगी कि मैनिपुलेटिव मीडिया है कि नहीं है। फिर तो हम पुलिस कोर्ट सब बंद कर दें, ट्विटर के दफ्तर में खड़े हो जाएं सब लोग, सारी कोर्ट कचहरी वहीं लग जाए, ये प्रॉब्लम है। क्या उन्होंने संबित जी को बुलाया, पूछा कि आपने क्या लिखा? उन्होंने अपनी भी जांच नहीं करी। रास्ता नहीं है ना, रास्ता नहीं है ना मिस्टर शांतनु, यही सवाल मैं संबित पात्रा से भी पूछ रही थी, रास्ता क्या है? ये टेक जायंट्स, सोशल मीडिया जायंट्स इतने पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि इतने इनके अनुयायी हैं, वही नेता हेड ऑफ स्टेट्स सारे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस, इंपॉर्टेंट बातें उसी प्लेटफॉर्म पर करते हैं, और फिर आप उसको नकारते हैं, उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। इंडिया जैसे देश में वो कहता है कि अपने ऑफिसर उनके यहां नकार रहे हैं दिल्ली पुलिस को, आप क्या करेंगे, किसको किसको उठा लेंगे? जैक डॉर्सी वहां अमेरिका में बैठा हुआ है। जैक डॉर्सी के बारे में बताऊं, जैक डॉर्सी ने 2018 में सीएनएन के इंटरव्यू में खुद कहा था, लाइव इंटरव्यू में कहा था कि हम लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमारा लेफ्ट लीनिंग बायस है, ऐसा जैक डॉर्सी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। देखिए, आप लोग एक बहुत बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग इस समय इसको देख रहे होंगे, आप लोग INB मिनिस्ट्री से बंधे हुए हैं, तो कोई भी प्लेटफॉर्म जो एक बात को, आपके में बहुत बड़े नेता आते हैं, आपके में प्रवक्ता आते हैं, सब बोलते हैं, तो आप लोग एक रूल से बंधे हुए हैं, आप क्या दिखा सकते हैं, क्या दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते हैं, आप दंगे नहीं भड़का सकते। तो जो भी एक प्लेटफॉर्म जो बड़े लोगों तक जा रहा है, वो एक, अब जैसे फरवरी में रूल्स आए, अब सख्ती और होगी, तो पहली बार मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने एक रीढ़ की हड्डी दिखाई है कि इनका खुला आतंक नहीं चलेगा, कि जिसको चाहे ये बैन कर देंगे, जिसको चाहे लगा देंगे, किसी का मैनिपुलेटिव बोल देंगे, किसी के ट्विटर, किसी दिन ट्विटर के फॉलोअर कम हो जाते हैं आपके, 5,000 एक दिन, 2,000 एक दिन बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अब इतने बड़े हो चुके हैं, आप कोई कंट्री में एक प्रॉफिटिंग कर रहे हैं, आप एक कंट्री में कंपनी है, तो आपको उस कंट्री में जो भी रूल है, देखिए सिंगापुर में आप करके दिखा दीजिए क्या करेंगे, चाइना में करके दिखा दीजिए क्या करेंगे आप। तो अब भारत सरकार को, मैं संबित जी से कहूंगा, और कड़ा इन पे होना पड़ेगा, नहीं तो 2024 में जो ट्रंप के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। डॉक्टर पात्रा, इसके बाद सुप्रिया फौरन आ रही हूं आपके पास। सुप्रिया जी, देखिए अंजना जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज चला कि सिंगापुर सरकार ने, जो सिंगापुर वेरिएंट अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था और कुछ ट्विटर में चला था, तुरंत सिंगापुर सरकार ने एक नोटिस जारी की कि फेसबुक में और ट्विटर में कहीं दिखना नहीं चाहिए अगले दिन सुबह, नहीं तो हम तुम्हारे पर एक्शन करेंगे। और आप देखिए, ट्विटर बिल्कुल सलाम जी साहब, कहीं नहीं दिखेगा, सब जगह से हट गया सिंगापुर वेरियंट। यही जब इंडिया की इंडियन स्ट्रेन नहीं लिखा जाना चाहिए तो वो नहीं मान रहे। मैं यही जवाब सुनिए अंजना जी, मैं वही तो बोल अंजना अंजना जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ अंजना जी। जब भारत की सरकार ने लिखा कि आप इंडियन स्ट्रेन हटा दीजिए, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, शशि थरूर ने ट्वीट किया है, नहीं किया, अगर हम जाके नोटिस भी इश्यू करते हैं तो फिर आप लोग बोलते हैं, मतलब आप लोग इन द सेंस ऑपोजिशन बोलती है, मीडिया में डिबेट होता है, ओ गॉड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो हिटलर हो गए, ये फासिस्ट हो गए। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप देखिए, एक छोटा सा दिल्ली जितनी बड़ी सिंगापुर, अगर ये अपने अधिकारों के लड़ सकती है और वहां उनके उनके सिटीजन इस प्रकार चिल्लाते नहीं है कि हमारे सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गुल कर जा रही है,
यहां पर इतने बड़े देश में 135 करोड़ जनता है और वो इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हमारे सरकार की ईमेल का जवाब तक नहीं देंगे कि हम इंडियंस से नहीं हटाएंगे, ये क्या मजाक बना हुआ है? और ऊपर से कांग्रेस पार्टी और ये 12 ऑपोजिशन पार्टी बैठ के यहां एक ही रट रख डेमोक्रेसी का डेथ हो गया, ये डेमोक्रेसी क्या है जिसकी डेथ 2014 से कम अभी तक 2000 बार डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है फिर भी वह जीवित है, ये क्या चीज है डेमोक्रेसी जिसकी डेथ हर दिन शाम को कर देते हैं और फिर अगले दिन उसका डेथ हो जाता है? और क्या इंडियन स्ट्रेन वाले मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ एकजुट नहीं होना चाहिए? सिंगापुर में हमने देखा सिंगापुर स्ट्रेन बोलने के बाद जो बवाल खड़ा कर दिया वहां की सरकार ने। ऐसा है कि जब प्राइम मिनिस्टर पहली बार वेस्ट कोस्ट पर गए थे, और मैं 2 मिनट का आपका टाइम लूंगी ये बताने के लिए, जब वो पहली बार वेस्ट कोस्ट सैन फ्रांसिस्को और बे एरिया में गए थे जहां पर ये सारे टेक जायंट्स हैं, उस समय मैं जर्नलिस्ट थी और मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय वहां पर गई थी, और प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर सोशल मीडिया को लॉर्ड करते हुए बहुत सारी बातें कही थी जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करी थी। उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूं लोगों से, इसलिए मैं मीडिया से बात नहीं करता हूं, डायरेक्ट संवाद मेरा लोगों से होता है। तो मैं तो एक छोटा सा सजेशन दे रही हूं, अगर ट्विटर को सबक सिखाना है, 68 मिलियन के करीब फॉलोअर्स है मोदी जी के, छोड़ दे ट्विटर, कान पकड़ के ट्विटर आ जाएगा वापस, क्यों नहीं छोड़ देते हैं मोदी जी ट्विटर? और मैं एक और हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करना चाहती हूं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूं कि अगर ट्विटर ही गलत कर रहा है और संबित जी ही सारा सारा सच बोल रहे हैं, तो संबित जी क्यों नहीं प्रोब ज्वाइन कर लेते हैं? अपना जो पुलिस आपसे सवाल पूछना चाह रही है छत्तीसगढ़ की या जहां की भी पुलिस ने आपको भेजा है, उनसे क्यों नहीं आप जुड़ के संवाद कर लेते हैं और उनको पूरा स्पष्ट कर देते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट कौन सा प्रेजेंट किया था? क्योंकि आप मेटा फेटा यहां पर कह दीजिए, जब आपका मन होता है आप मूर्ख बन जाते हैं, जब आपका मन होता है विशेषज्ञ बन जाते हैं, मेटा फेटा कहने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आप अभी तक अपने प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस नहीं कर पाए, मेटा डेटा प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ये नहीं प्रूफ कर पाए हैं कि वो सही डॉक्यूमेंट है, वो फेक है, और ये हमने प्रूफ कर दिया आपको। खैर, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि रविशंकर प्रसाद जी ने जब नए रूल्स लाए थे तो उन्होंने सही कहा था कि फेक न्यूज फैलाने को रोकना पड़ेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो। और अगर वो फेसबुक या ट्विटर रोक रहा है कि फेक न्यूज रोकी जाए, तो आप तो अपने मंत्रियों के खिलाफ ही कदम उठा रहे हैं, आप तो अपने मंत्रियों के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। देखिए, गलती हर व्यक्ति से जीवन में हो जाती है, सही समय रहते हुए हाथ जोड़ के माफी मांग के उस पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। और मैं एक बात आपको और बता दूं अंजना जी, फाइजर और मॉडर्ना दो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज है, जिस पर हमारे राज्यों ने जाकर बोला था भाई हमें वैक्सीन दे, तो हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा आप जाइए यहां से, आपसे बात नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब आएगी तब हम वैक्सीन देंगे। आज बात उस पर होनी चाहिए, आज बात उस पर होनी चाहिए कि बमुश्किल हम अपनी 3% जनता को 2 डोज वैक्सीन के लगा पाए। आज सवाल पूछना चाहिए कि पहले तो गंगा के किनारे लाशें दफन कर दी जाती हैं और उसके बाद उस पर से रामनामी नोच नोच के निकाली जा रही है। अरे मैं को प्लीज तो आ सकता हूं, इस पर बात क्यों नहीं हो रही? और जब सच की बात करने लगो तो ये कहते हैं टूलकिट। क्या सच बोलना टूलकिट है? ठीक है, दोनों बातों का जवाब दीजिए। फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीनेशंस लाने के लिए आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि राज्य सरकारों से नहीं केंद्र सरकार से ही बात करेंगे। एस जयशंकर कहां गए हुए हैं वो भी जानकारी पूरी दीजिए और साथ ही बताइए उनके सवाल का जवाब। हाँ अंजना जी, जब ट्विटर पे इनके पास जवाब नहीं होता है तो फाइजर और मॉडर्ना पर चले गए हैं। देखिए, हमने किसी को फोर्स करके यहाँ डिबेट पे मुझे लगता नहीं आप लोगों ने बुलाया होगा, आपने उनको टॉपिक बताया होगा कि टॉपिक आज के डिबेट का ट्विटर है और वो राजी होकर ही ट्विटर के डिबेट पे आई है, वरना नहीं आती। दूसरी बात, इन्होंने कही मोदी जी अगर ऐसे ही ट्विटर पे काम कर रहे हैं, ट्विटर में गलतियां हो रही है, तो मोदी जी ट्विटर को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है, इंडिया अब रहने लायक नहीं है, यहाँ डर लगता है, तो वो देश क्यों नहीं छोड़ देते हैं? उस हिसाब से अगर यही लॉजिक होगा कि क्योंकि मोदी जी ने, क्योंकि सरकार ट्विटर से एक ईमेल पे किस तरह की बातें करते हो आप, तो ये ट्विटर तुम्हारे बाप का है? तो ये ट्विटर तुम्हारे बाप का है? ट्विटर तुम्हारे बाप का है क्या? हाँ हाँ, चले जाए। कैसी अंजना जी, ये कैसी बदतमीज महिला है, कैसी बदतमीज महिला है अंजना जी, इनको बोले बदतमीजी करना बंद करें प्लीज। बहुत कैसी बदतमीज महिला है अंजना जी, पहले बात करें प्लीज। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, बैठो प्लीज, चुपचाप इनको बैठने प्लीज, 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 महिला प्लीज, सुनने की प्लीज, संयमित भाषा, दोनों बिल्कुल चुप रहो, प्लीज वापस एक सेकंड, दोनों की आवाज संयमित भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, आवाज नीचे कीजिए, नहीं ये असंयमित भाषा मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। प्लीज इसको नफरत का अड्डा मत बनाइए, बहस और संवाद का मंच बनाइए जिसके जरिए हम लोग बातचीत करें, एक दूसरे से सवाल पूछे और आगे बढ़े। प्लीज प्लीज हम इसको नफरत का अड्डा नहीं बनने दे सकते हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए मत कीजिए, गुस्से में मत खोइए आप, क्योंकि बाद में आपको भी पछतावा होगा कि आपने टीवी पर किसी के लिए, हम सब
इसी जगह रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं अंजना जी कंप्लीट कर लूं, कमिंग बैक टू टॉपिक, किसी का है नहीं तो बोल नहीं सकता, छोड़ो अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं। अंजना जी आपने शुरू से देखा होगा, मैं कभी अंजना जी, मैं प्लीज अंजना जी, देखिए कौन गुस्सा हो रहा है, कौन कंट्रोल में है, आप देख रही हैं अंजना जी। अंजना जी ये वैक्सीन पे डिबेट करना चाहती हैं, ये छोड़ के जा सकती है डिबेट। आपने मुझे ट्विटर पे बुलाया है, आप मुझे अगले शो में बुलाइए वैक्सीन पे, तो आप क्यों बोल रही है कि हमको डाइवर्ट कर लें? अंजना जी आप इनको प्लीज शांत करिए, मैं बदतमीजी नहीं कर सकता। सवाल पूछूंगी इसके बाद, अंजना जी मैं बदतमीजी नहीं कर सकता, इस प्रकार से मैं बदतमीजी नहीं कर सकता। अंजना आप इनको शांत करिए। संबित जी बोलिए। देखिए अंजना जी मैं बहुत शांति से जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ट्विटर क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि ट्विटर में कोई गलतियां हैं। मैं बोल रहा हूँ गलती होने से छोड़ देना ये सोल्यूशन नहीं होता है, गलती होने से गलती ठीक करना होता है। और उसी के लॉजिक पे मैंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में, अभी उन्होंने बनाना रिपब्लिक कहा था, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी रोज कहते हैं डेमोक्रेसी की इस देश में डेथ हो चुकी है, अब देश रहने लायक नहीं है, तो क्या राहुल गांधी देश छोड़ देंगे? दोनों लॉजिक एक ही है, इसमें भड़कने की कोई बात नहीं। तीसरी बात, अरे भैया ओहो माय गॉड अंजना जी ये सड़क पे लड़ाई करने जैसे लड़ाई करने लगती है अंजना जी। अंजना जी ये सड़क पे जैसे लड़ाई होती है ना, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। तो ये अंजना जी मैं इनसे, अंजना जी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है सड़क की, ये तुम सा तुम तम मुझे पसंद नहीं अंजना जी। और ये अहंकार से भरी हुई महिला, इनके साथ में डिबेट नहीं करना चाहता, इनको बोलिए शांत बैठे, मुझे बोलने दीजिए। ये अहंकार से भरी हुई महिला ये इस प्रकार वापस वापस भैया, ये उचित नहीं है। अंजना जी प्लीज, अंजना जी प्लीज आप इनकी आवाज को कम करिए, मैं कोई गलती भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। अपनी बात पूरी कीजिए संबित जी। अंजना कैसे पूरा संबित जी बात पूरी अंजना जी कैसे पूरा बोलिए बात पूरी कीजिए। अंजना जी मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। देखिए अंजना जी आप भी जानती हैं, और देश को मैं बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं है, ये जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर जिसको हम कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इंटरमीडियरी कहते हैं या प्लेटफॉर्म कहते हैं, अर्थात इस पे कोई भी कुछ पोस्ट करेगा तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा, प्लेटफॉर्म अर्थात ट्विटर नहीं होगा, क्योंकि ट्विटर एक एडिटर नहीं। जिस दिन ट्विटर एडिटर बन जाता है और कहता है कि ये अच्छी पोस्ट है, ये गलत पोस्ट है, ये मैनिपुलेटेड है, ये मैनिपुलेटेड नहीं है, और उन तथ्यों को सामने नहीं रखता है, उस दिन उस पे लायबिलिटी भी आ जाती है, अर्थात उससे पुलिस और सरकार पूछताछ कर सकती है। ये हिंदुस्तान के संविधान का कानून है, कोई भी हिंदुस्तान के संविधान के कानून से ऊपर नहीं है। और अंजना जी आपने ठीक कहा था कि ये गच्चा देने की कोशिश कर रही है, और देखिए हिंदुस्तान की सरकार कोई कच्ची सरकार नहीं। यही तो मेरा सवाल था ना संबित जी, जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है विक्रम सिंह साहब, जिसके बाद में ठीक है सुप्रिया जी एक बार बोल लें, उसके बाद मैं आ रही हूँ विक्रम जी आपके पास। सुप्रिया जी, अंजना जी मैं थोड़ा सा लॉ से अवगत करा दूं, मैं अहंकारी भी हूं, मैं बदतमीज भी हूं, मैं सब कुछ हूं, आपको जितनी गालियां देनी है दे लीजिए, लेकिन इस देश का लॉ कहता है। संबित जी उनको बोल लेने दीजिए, संबित जी अब उनको बोल लीजिए। मेरे समय क्या कर रही थी अंजना जी? ठीक है तो हमने रोका ना, हमने रोका, नॉन स्टॉप चिल्ला रही थी ना, और इन्होंने कहा गोली मारो ट्विटर को। अगर मैं कह देता गोली मारो ट्विटर को तो अभी तक धरती में आत्मिक आ गया होता। इन्होंने कहा कि नहीं गोली मारो ट्विटर को, अभी इन्होंने कहा अगर गोली मारो ट्विटर को, हमने तो एक ईमेल ही भेजा है, गोली तो नहीं मारी है, फिर भी राहुल गांधी ऐसे फड़फड़ा क्यों रहे हैं? ठीक है संबित जी, कह रहे थे गोली मारो ट्विटर, बोलेंगे हमने तो केवल एक ईमेल दिया है, उसमें राहुल गांधी फड़फड़ क्यों हो रहे हैं? सुप्रिया जी बोलिए। अंजना जी हमारे देश का लॉ कहता है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स रखने पड़ेंगे, इंटरनल ऑडिट्स कराने पड़ेंगे, इंटरनल फैक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर उसके बाद कोई चीज फेक या मैनिपुलेटेड मिलती है तो इसमें बिलबिला काहे रहे, क्यों नहीं प्रोब ज्वाइन कर लेते भाई? अगर मेरे खिलाफ कोई चार्ज लगाएगा तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, अपना साइड बताऊंगी, अपना वक्तव्य दूंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये साहब प्रोब नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि रिलीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक चैनल से दूसरे चैनल कूदना है पूरी शाम। अगर ऐसा ही करना है तो प्रोब ज्वाइन करिए ना, जाइए पुलिस के सवालों का जवाब दीजिए, वो नहीं करेगा। यहाँ पर बैठ के गलचौत करेंगे आप लोग, यहाँ पर बैठ के गब्बा गड़ेंगे, वो मत करिए। सही में दूध का दूध पानी का पानी करना है, पुलिस के पास जाकर अपना सही काम कर रहे हैं। अंजना जी सुन लीजिए, सुन लीजिए अंजना जी, अब ये सुन लीजिए अंजना जी, मैं तो एक चैनल से दूसरे चैनल कूदता हूँ, आप क्या रेंग रेंग के आती है सांप की तरह? मैं तो कूदता हूँ, चलिए आप रेंग के आती है सांप की तरह? कैसे आती है आप बताइए, पहले बताइए आप कैसे आती है? मैं कूद के जाता हूँ एक चैनल से, आप ये नागिन की तरह रेंग रेंग के मत आइए, आप ये सांप की तरह बंद करिए।
मैंने पहले ही आप दोनों से रिक्वेस्ट किया था मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। आवाज ही चीने जल्दी से विक्रम सिंह साहब ये देखिए इस जांच के दो हिस्से है ना, पहले है कि सच सामने आए, पहले है कि वो डॉक्यूमेंट फोर्ज है या नहीं, और सेकेंडरी हिस्सा है ट्विटर, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को पहुंचना पड़ेगा उन लोगों तक जो आखिर जिम्मेदारी ले कि मैनिपुलेटेड कैसे किया, कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कौन से ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हुए ट्विटर ने, कैसे वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये मैनिपुलेटेड है ये नहीं है। निसंदेह अंजना जी दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ट्विटर ने अगर कहा मैनिपुलेटेड मीडिया है, दो बार कहा है, 18 तारीख के संबित पात्रा जी के जो ट्वीट किया था उसके बाद उन्होंने 20 को कहा, फिर 24 को कहा, तो 24 को दिल्ली पुलिस की रेड गई। लेकिन जिसके ऊपर चार्ज लगा है उसको भी विवेचना के साथ समन्वय करके कोऑपरेट करके अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट नहीं करेंगे, दोनों पक्ष है, ट्विटर की जवाबदेही है, अगर उन्होंने किसी को कहा संबित पात्रा जी जो हमारे जिम्मेदार वो है स्पोक्स पर्सन, तो उनकी बात को अगर कहा मैनिपुलेटेड, कैसे कहा मैनिपुलेटेड, ऐसा कौन सा तथ्य आपके पास है जिसके आधार पे आपने कहा कि ये मैनिपुलेटेड है, और अगर कहा है तो पुलिस को बताइए स्पेशल ब्रांच को, और अगर कहीं रायपुर में हो सकता है एफआईआर सही हो गलत उस पर देश को सोचना पड़ेगा। सिंगापुर जैसे मुल्क भी जब वो सिंगापुर स्ट्रेन वहां के म्यूटेंट वायरस को कह देते हैं तो उन पर दबाव बना पाते हैं, यहां पर इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है, और ऐसे कार्रवाई के बाद जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो आखिर बिल में क्यों घुस गए हैं ट्विटर के अधिकारी। टूलकिट पर तकरार है और देखिए कैसे अब ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।